शम लोचनं दृक् तद्दृश्यं दृक्तु मानसं दृश्याद्धि वृत्तयः साक्षी दृगे वनतु दृश्यते नीलपीतस्थूलसूक्ष्म ह्रस्वदीर्घादिभेदतः नानाविधानिरूपाणि पश्येत् लोचनमेकधा आन्ध्यमान्ध्यपटु त्वेषु नेत्रधर्मेषु चैकधा सङ्कल्पयेन्मनःस्रोत्र त्वगादौ योज्यतामिदम् कामसङ्कल्पसन्देहौ श्रद्धाश्रद्धे धृतितरे ह्रीर्धीर्भिरित्येवमादीन् भासयत्येकधा चितिः भासयत् त्येकधा चितिः नोदेति नास्तमेत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम् नोदेति नास्तमेत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम् स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत् साधनं विना भासयेत् साधनं विना भासयेत् साधनं विना
दृष्टा तत्व के अनुसंधान के क्रम में दृष्टा का स्वरूप जिस तरह से प्राप्त होता है, दृष्टा के स्वरूप का जिस प्रकार से निश्चय होता है वो अद्भुत है। पहली बात जो निष्पन्न हुई इस विवेक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वो ये है कि दृष्टा नाम की एक वस्तु है। वस्तु माने वसति इति वस्तु, जो होवे उसको वस्तु बोलते हैं, जो ना हो उसको अवस्तु बोलते हैं। जो होवे उसी की भाववाचक संज्ञा बनती है वास्तविक। तो जनसाधारण में वस्तु शब्द से प्रायः जड़ पदार्थ का अर्थ लेते हैं कि व्यक्ति कोई वस्तु थोड़ो है, ऐसा बोलते हैं लोग, व्यक्ति कोई वस्तु नहीं है। तो वस्तु शब्द का अभिप्राय हिंदी भाषा में प्रायः जनसाधारण लोग वस्तु शब्द का अभिप्राय जड़ पदार्थ लेते हैं, वो सही नहीं है। वस्तु माने जो है, जिसका अस्तित्व निश्चित रूप से है, वास्तविक है। सो चेतन दृष्टा निश्चित रूप से एक वस्तु है, स्वतंत्र रूप से है, किन्हीं रसायनों का परिणाम नहीं है, किन्हीं रसायनों का परिणाम नहीं है, बल्कि वह स्वयं सिद्ध एक वस्तु है। उसका नाम है दृष्टा, मालूम नहीं पड़ती ये। और ये कहना वदतो व्याघात दोष है। क्यों? क्योंकि मालूम नहीं पड़ती तो तुमने बताया कैसे? मैंने ये मालूम नहीं पड़ती, ये भी तो एक वृत्ति है। इसको बोलते हैं वदतो व्याघात दोष, कहते ही दोष हो गया, व्याघात हो गया। मैंने इसका दृष्टांत दिया था जैसे कोई बोल के बतावे कि मैं मौन हूं। ये कम करें तो बोलते ही उसने अपना ही विरोध कर दिया। ऐसे वदतः एव व्याघात, जो मैंने बोला, मैंने एक वकील बोले कि वकील कभी सत्य नहीं बोलता, अब बोलो क्या बात हुई, इसका मतलब क्या निकला कि वकील जो बोल रहा है ये तर्क का जाल है। आपने कभी शायद विचार किया हो न किया हो, प्रभु करें आपको विद्या में रुचि आवे तो तर्क शास्त्रों को भी पढ़ें, खुद भी पढ़ें। तो एक वकील ने कोर्ट में कहा कि वकील कभी सत्य नहीं बोलता। तो जो उसने ये बात कही वो भी झूठी हो गई कि नहीं हुई कि नहीं हुई? अच्छा, ये बात झूठी हो गई तो इसका क्या अर्थ निकला कि वकील सत्य बोलता है? ठीक है, ये अर्थ निकला कि फिर वकील
आपको पकड़ में आता ही है कि वकील कभी सत्य नहीं बोलता, अगर इस बात पर विश्वास करें तो। यह बात झूठी हुई और इसका अर्थ हुआ कि वकील हमेशा सत्य बोलता है। अच्छा, अगर इस बात को मान लें तो फिर जो पहले उसने कहा था वो सत्य निकला। ठीक, पहले जो उसने कहा था वो सत्य निकल आया। तो पहले क्या कहा था उसने कि वकील कभी सत्य नहीं बोलता, तो इसको माने तो पहला वाला कटता है और बाद वाला माने तो पहला वाला सिद्ध हो जाता है। आप इस बात दोनों वाक्य पर विचार करके देखना, इसमें आपकी बुद्धि किसी भी निष्पत्ति पर नहीं पहुंच सकती। ये ऐसा वाक्य है, ये ऐसा वाक्य है जो आपकी बुद्धि को किसी भी निष्पत्ति पर रुकने नहीं देगा। सोच के देखना। हमारे बौद्ध मित्र लोग जो बहुत बड़े विद्वान और तार्किक हुए, वो ऐसे ऐसे तर्क बनाते थे, तर्क की रचना होती है। हम लोग प्रायः तो तर्क से परिचित ही नहीं है, तर्क होता क्या है। कोई उठ के एक दृष्टांत दे देता है, हम समझते हैं बड़े तार्किक तो ऐसा नहीं। सो ये कहना, मैं निवेदन ये कर रहा था कि ये कहना कि दृष्टा के होने में कोई प्रमाण नहीं है, अगर ऐसा कोई बोलने का साहस करता हो तो उसको ये कहना ही पड़ेगा कि हमें हमारी वृत्तियां मालूम नहीं पड़ती। और जैसे ही ये बात कहेगा तो प्रश्न आएगा कि तुमको भीतर ये विचार मालूम पड़ा कि नहीं मालूम पड़ा। अनुभव विरुद्ध है, युक्ति विरुद्ध है यह बात कहना कि हमको वृत्तियां मालूम नहीं पड़ते। तो यह सिद्धवत वाक्य है। क्या? दृश्याधि वृत्तया। नहीं, इसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता कि धी वृत्तयः दृश्याः, ये तो निर्विवाद है। जो निर्विवाद वक्तव्य होता है उसको हम लोग शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं सिद्धवत। सिद्धवत माने सिद्ध वाला, सिद्धवान हो गया। सिद्ध सदृश माने इसको सिद्ध करने के लिए किसी और एक और तर्क की जरूरत नहीं है। ये तो कुछ चीजें सिद्धवत हैं, उनको पकड़ना है। फिर जो अभी मेरी बुद्धि में असिद्ध है उसको उसको सिद्ध करना है। किसके जरिए? सिद्ध के जरिए। सिद्ध के जरिए असिद्ध को सिद्ध करना है। कई बार हम लोग कैसा करते हैं कि असिद्ध के जरिए असिद्ध को सिद्ध करते हैं। तो हम लोग जब चर्चा करते हैं ना, तो मैं सुनता हूं तो मैं टोक देता हूं कभी कि ये तो बात आप सिद्धवत कर रहे हो। तो पता नहीं हमारे मित्र लोग उस समय समझते हैं कि नहीं समझते कि सिद्धवत माने क्या। आप अंग्रेजी में चाहें तो इसको ऐसे बोलें, टेकन फॉर ग्रांटेड। सिद्धवत का नियरेस्ट अनुवाद क्या होगा? टेकन फॉर ग्रांटेड, एज दो इट इज प्रूव्ड एंड नथिंग टू बी प्रूव्ड फर्दर। ये इसको तो दृश्याधिवृत्तया, यह प्रमाण है कि दृष्टा नाम की वस्तु है। ठीक, हेतु कैसे बनाए, मैंने प्रतिज्ञा कैसे करेंगे? तर्क रचना देखो जरा, प्रतिज्ञा कैसे करेंगे? दृष्टा नाम की वस्तु है, ये प्रतिज्ञा है आपकी। हेतु क्या है? क्योंकि
क्योंकि दृश्य रूप से वृत्तियां मालूम पड़ती हैं, ये हेतु हो गया। बोले इस हेतु का विवरण करिए, जरा खोलिए इस हेतु को। तो हेतु का विवरण ये होगा कि जहां जहां दृश्य होता है निश्चित रूप से उसका कोई न कोई दृष्टा होता है। बना? अब ये विवरण करने के बाद आपको दृष्टांत देना पड़ेगा। भारतीय तर्कशास्त्र में हेतु पुष्ट ही नहीं हो सकता यदि आपके पास दृष्टांत न हो। माने आप गांठ बांध लो विद्यार्थी लोग जरा इसको, कि दृष्टांत के बिना हेतु की पुष्टि नहीं होती। कारण कारण की जो आप नियम बता रहे हो, हेतु दे रहे हो, उस नियम को आपने कहाँ देखा, यह आपको बताना पड़ेगा। हमने क्या कहा कि एक नियम दिखाई दे रहा है कि जहां भी दृश्य होगा वहां दृष्टा अवश्य होगा। तो बोले ये तो आपने नियम बना दिया, कहाँ देखा आपने इस नियम को? बोले रूप में देखा। अब ये दृष्टांत है हमारा कि रूप दृश्य है तो नेत्र नाम का दृष्टा अवश्य है। अब ये दार्ष्टांत नहीं है, क्या है? दृष्टांत है। ये कितना सुंदर हो गया। इस दृष्टांत से हेतु सिद्ध हुआ और उस हेतु से दृष्टा सिद्ध हुआ। शैली पकड़ में आती है? दृष्टांत से हेतु सिद्ध हुआ, हेतु से दृष्टा सिद्ध हुआ, और ऐसा सिद्ध हुआ कि कोई असिद्ध ही नहीं कर सकता। दृष्टा को असिद्ध करने के लिए आपको हेतु का खंडन करना पड़ेगा। हेतु का खंडन माने ये सिद्ध करना पड़ेगा कि दृश्य बिना दृष्टा के हो सकता है, ये कहना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? दृश्य बिना दृष्टा के हो सकता है, ये आपको कहना पड़ेगा। ये कहने के लिए आपको दृष्टांत देना पड़ेगा। कहाँ खोजेंगे दृष्टांत? कि एक भी दृश्य आपको नहीं मिल सकता जो बिना दृष्टा के हो। चैलेंज है, इसको बोलते हैं विचार बल। एक बार बलवान विचार आ जाए ना तो फिर आप अटल हो जाते हो बिल्कुल। थोड़ा मैंने तर्क की झांकी दे दी, आज ऐसा ही मूड आ गया। ये समझने की बात है, लिखने की नहीं। समझो इसको, तर्क की प्रणाली कैसी चलती है। थोड़ा सा तर्क का ग्रंथ है ये, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो उसकी रचना कैसे हुई मैंने क्या बताया, क्योंकि प्रकारम वक्ष्यामः, ये सीखना क्या है, विचार प्रक्रिया। विचार को याद करना एक बात है और विचार प्रक्रिया को सीख लेना ये दूसरी बात है। जो विचार प्रक्रिया को सीख लेते हैं वो चिंतनशील होते हैं, वो ज्ञान योग के साधक हैं। जो विचारों को याद कर लेते हैं ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन फिर उससे उतना लाभ नहीं होता। साइंटिस्ट वो नहीं है जो साइंस को याद कर लेता है, ठीक है कि नहीं? उसने MSc पास कर लिया क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आए और उसने याद किया था उन सारे फार्मूलों को, ठीक, उसने लिख दिया, पास हो गया, डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि हर MSc साइंटिस्ट है? ऐसे होने लग जाए तो हमारे देश में नहीं होता। वो साइंस
याद करना उसका एक हिस्सा है, वो बात अलग है, लेकिन असली लाभ तब होगा जब उसको विचार करने की प्रक्रिया प्राप्त हो जाए, है ना, इनसाइट मिल जाए, लोग ऐसा बोलते हैं, उसको विज्ञान की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाए, पद्धति प्राप्त हो जाए। तो कई बार मेरे मुंह से ऐसा निकलता है कि हर वेदांत पढ़ने वाला वेदांती नहीं होता, जैसे हर साइंस पढ़ने वाला साइंटिस्ट नहीं होता, हर साहित्य पढ़ने वाला साहित्यकार नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से हर वेदांत पढ़ने वाला वेदांती नहीं होता। वेदांत के विचारों को याद करके उसको बोला जा सकता है, उससे एक लौकिक लाभ हो सकता है, लेकिन जो अज्ञान के पर्दे फटने चाहिए, है ना, जो आवरण भंग होना चाहिए, वो नहीं होता। तो असली लाभ तो तभी है जब आवरण भंग हो, पर्दे फटें, और वो हमारी बुद्धि फाड़ेगी। ध्यान रखना, गुरु मदद कर सकते हैं, लेकिन जो असली आवरण पर चोट लगनी है वो मेरी बुद्धि से लगेगी। अविद्या का उच्छेद करने का जो दायित्व है अंततः मेरा ही है। भागवत जी में इसको चीर हरण बोलते हैं, चीर जो ढकने के काम में आता है। ये लौकिक लोग जो देहाभिमानी हैं वो चीर हरण को बड़ा अश्लील समझते हैं। अब भागवत होगी तो आप सुनिएगा इसको, वरण हुआ तो चीर हरण न हो तो फिर फायदा क्या हुआ। गोपियों ने पहले कृष्ण का वरण किया, फिर कृष्ण ने उनके चीर का हरण किया, न हुए तो फिर मतलब क्या हुआ, समझते हो। लोग देह के ढकने को ही चीर मानते हैं, कृष्ण ने तो इस देह को ही चीर कहा, नहीं कहा वासांसी, कहा कि नहीं कहा, देह को भी चीर ही कहा है। वो किसको ढके बैठी है, जीवात्मा को। इसलिए कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि शास्त्र को शास्त्री से सुनना चाहिए, क्योंकि आपको क ख ग घ पढ़ने आता है इसलिए आप हर शास्त्र उठा के पढ़ लो तो कई बार उसमें नुकसान भी हो जाता है। तो मूल प्रतिज्ञा हुई, देखो रचना को एक बार समझ लो, मूल प्रतिज्ञा हुई कि दृष्टा नाम की एक वस्तु है। विचार करते समय आपको प्रतिपादन क्या करना है वो साफ होना चाहिए, उसी का नाम है, क्या नाम है उसका, प्रतिज्ञा। वट डू यू वॉन्ट टू प्रूव, आप प्रतिपादन क्या करना चाहते हो, आपका प्रतिपाद्य तत्व क्या है, ये पहला वाक्य। तो हम सिद्धांती बन के बात करेंगे तो हम ये प्रतिज्ञा करेंगे कि निश्चित रूप से दृष्टा नाम की एक वस्तु है। अब हेतु देना पड़ेगा, आप क्यों ऐसा बोलते हो, तो हेतु दिया क्योंकि वृत्तियां दृश्य रूप से मालूम पड़ती हैं, ज्ञात होती हैं, तो जिसको ज्ञात होती हैं उसका होना तो सिद्ध ही है। बोले इसका विवरण करिए, तो विवरण करते समय नियम का उल्लेख कर दिया कि जहां जहां दृश्य होता है, जो जो दृश्य रूप से मालूम पड़ता है उसका उसका दृष्टा
अवश्य होता है। दृश्य का ज्ञान बिना दृष्टा के नहीं हो सकता, यह नियम है। नियम है, सिद्ध नियम है, अखंड नियम है। वेरी गुड। ये नियम आपने कहां देखा? बोले रूप में देखा, कि रूप दृश्य है तो नेत्र के बिना वो कभी सिद्ध नहीं हो सकता। शब्द दृश्य है तो श्रोत्र के बिना वो सिद्ध नहीं हो सकता। स्वाद दृश्य है तो रसना के बिना वो सिद्ध नहीं हो सकता। तो इन दृष्टांतों में ये नियम सिद्ध हो गया। इस नियम से बना हेतु, हेतु से सिद्ध हुआ दार्ष्ट्रांत, प्रतिज्ञा। एक बानगी, एक झांकी देखो, मानो मैं पूर्व पक्षी हूं तो मैं क्या प्रतिज्ञा करूंगा कि दृष्टा नाम की कोई वस्तु नहीं है। मेरे लिए हेतु क्या है? हेतु नहीं मिलेगा। तो हेतु बनाना एक कठिन काम है, और मेरे हेतुओं का उसको खंडन करना पड़ेगा। एक तो अपना बनाना पड़ेगा, और मेरे जो हेतु दिए हुए हैं उसका उसको खंडन करना पड़ेगा। तो चलो पहले खंडन ही कर लो। तो मेरे हेतु का खंडन ये होगा कि दृश्य बिना दृष्टा के भी जाना जा सकता है। बोले अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ ऐसा दृष्टांत है। तो चूंकि दृष्टांत की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, इसलिए वो नियम असिद्ध है। चूंकि नियम असिद्ध है, इसलिए उस नियम के द्वारा जो उसकी प्रतिज्ञा सिद्ध हो रही थी वो भी असिद्ध हो गई। इस तरह से बोलते हैं खंडन, फिर बोलते हैं मंडन। तो ये शब्द आपने सुना होगा, खंडन मंडन। अरे ये कोई नेगेटिव शब्द थोड़ो है। गलत का खंडन किए बिना सही का मंडन कैसे होगा? मने बोले मैं तो खंडन मंडन नहीं करता। तो आप महाराज शांति से अपना आहार निद्रा भय मैथुनम च करो। खंडन मंडन नहीं होगा तो सत्य का निर्धारण कैसे होगा? बहरहाल तो इति सिद्धम, प्रतिज्ञा सिद्ध हुई कि दृष्टा नाम की एक सिद्ध वस्तु है, सत है। चूंकि वह दृष्टा है इसलिए वह चेतन है। दृष्टा अंतरंग है, उस दिन का याद कर लेना। अंतरंग होने से आत्मा है, दृष्टा किसी अन्य का नाम नहीं है बल्कि मैं का नाम है, आत्मा का नाम है। और ये हो नहीं सकता कि वृत्तियों को मेरे अलावा कोई और जाने। कैसे जानेगा? मैं ही जानता हूं कि मेरे भीतर इस समय सुख वृत्ति है या दुख वृत्ति है। बोले नहीं, कोई और जानता है। तो तुम क्या कर रहे हो? मैंने अकल्पित कल्पना अनुभव का विरोध करके कोई बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि डर लगता है कि मैं अपने को ही दृष्टा कह दूं तो क्या होगा फिर? मैं तो वही वही, अरे मैं वही चाहे मैं वही, लेकिन जो अनुभव है फिर उसको तो स्वीकार ही कर लो। मेरे मन में श्रद्धा
तरंगे मार रही है, ये बात मैं ही जानता हूं, कोई और कैसे जानेगा। बोले नहीं, इसको कोई दृष्टा है जो प्रकाशित कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो? आत्मा दृष्टा है भाई, दृष्टा अंतरंग होने से आत्मा है, अंतरंग होने से अहम पद का अर्थ है मैं हूं वो। कई बार ये प्रतिपादन बाद में करना पड़ता है, पहले अंतरंगता स्वीकार हो जाए, फिर दृष्टा निराकार है, निरवयव है, इसलिए असंग है, दृश्य धर्मों से असंग है, इसलिए निर्विकार है, इसलिए अविनाशी है। सात चीजें हो गई है ना, सात ना, ये निष्पत्तियां हैं, इनको संभालना चाहिए, भीतर घटाना दे चाहिए। सबसे पहली सिद्धि है सत, फिर अंतरंग है, फिर चेतन है, फिर निराकार है, निरवयव है, असंग है, निर्विकार है, इसलिए अविनाशी है। माने पहली सिद्धि आगे की सिद्धि का हेतु बनती है। अगर वो निराकार है इसलिए निरवयव है, असंग है, तो तीन सिद्धियां मिलकर के एक सिद्धि निकालती हैं कि वो निर्विकार है। निर्विकार जो सिद्धि है वो हमारी बुद्धि में तब बैठ जाती है जब ये तीन बातें उसके सामने होवें। क्या क्या? निराकार है, निरवयव है, असंग है। सिद्धि से सिद्धि, असिद्धि से सिद्धि मत करना। गुरुदेव ऐसे बोलते थे अंग्रेजी में, थ्रू द नोन यू कम टू नो द अननोन। बोले अननोन के जरिए अननोन को जानना, हाउ आर यू गोइंग टू ट्रेवल। जो सिद्ध हुआ, हम नोन की बजाय हम शब्द जो पक्का वाला यूज करेंगे वो क्या करेंगे, सिद्ध है, उसके द्वारा आगे की जो असिद्ध सी चीज है उसको सिद्ध कर देना है। सो निर्विकारता सिद्ध है, और एक बार सत सिद्ध हो, निराकार हो, निर्विकार हो, तो विनाश का हेतु क्या है? तो वो तो नहीं है उसमें। इसलिए उसको बोलेंगे अविनाशी। आठवीं चीज है, जो निराकार है वो असीम होता है, क्योंकि सीमा को ही आकार बोलते हैं। ठीक, तो जो निराकार तत्व है उसी का नाम है असीम, भूमा। उपनिषद में आया भूमा। देखो, साधक जो है तृप्त हो जाता है इसे। जो अविनाशी है उसी को अनंत बोलते हैं, जिसका अंत न होए। चाहे तो गिनती में इसको नमा कह लें, है ना, आया ना नमा।
इनको, इन निष्पत्तियों को भीतर भीतर घटाना चाहिए। ये महिमा है आत्मदेव की, ये किसी दरवाजे खिड़की की महिमा नहीं है। ये जो शब्द है वो जाके सफल कहाँ होगा? केवल आत्मा में, केवल आत्मा में, और कहीं भी सफल नहीं हो सकता। अब दसवीं एक चीज कह करके समेटता हूं। दृष्टा मैं आत्मा, यह जो अस्तित्व है, अपना अस्तित्व, मैं का अस्तित्व, वो मेरे लिए निरंतर अनुकूल होता है। मेरा अस्तित्व मेरे लिए कभी प्रतिकूल नहीं हो सकता। ठीक है, अनुभव है कि नहीं है? कभी आपका अस्तित्व आपको प्रतिकूल लग सकता है? बोले हाँ, इसीलिए तो मरना चाहता हूं। बोले वो शरीर का अस्तित्व है जो आपको परेशान कर रहा है, आपका नहीं। आप तो इस शरीर के अस्तित्व से अपने को बचाने के लिए शरीर को खत्म करना चाहते हो, तो जो खत्म करना चाहते हो वो दूसरे का अस्तित्व है, और जिसको बचाना चाहते हो वो आपका अपना वाला है। कदाचित नाहम अप्रिय, हमारे महापुरुष, हमारे आचार्यों ने ऐसी बातें कह दी जिसका खंडन ही नहीं हो सकता। क्या बोलते हैं? कदाचित नाहम अप्रिय, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई स्वयं अपने को अप्रिय होवे। बिना हेतु के निरंतर सदा सर्वदा के लिए अगर कोई अनुकूल अस्तित्व है तो वो आत्मा का ही अस्तित्व है। और मजा ये है कि उसको मैं बिना किसी अंतराल के चाहता हूं। बोलो, चाहते हो कि नहीं? अपने अस्तित्व को चाहते हो कि नहीं? एक चींटी काट जाए तो उसी चाहत का परिणाम है कि उस चींटी को आप ठोंक देते हो। उसको लौकिक स्तर पे जिजीविषा लोग बोलते हैं। जिजीविषा माने जीने की इच्छा, और डार्विन के शब्दों में लॉ ऑफ सर्वाइवल बोलते हैं। लॉ ऑफ सर्वाइवल और जिजीविषा छोड़िए, असल में आप अपने अस्तित्व को हर कीमत पर चाहते हो, असली बात वो है। सर्वाइवल तो केवल उसका एक मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि किसी ने अपने को केवल शरीर मान लिया तो शरीर को बचाने की हर कोशिश करेगा वो, लेकिन अगर शरीर परेशान करने लगे तो लॉ ऑफ सर्वाइवल किधर गया? खंडित हुआ कि नहीं हुआ ये नियम? इसलिए ये अखंड नियम नहीं है। नारायण, अखंड नियम यह है कि कदाचित ना हम प्रियः, अपना आपा हमें हमेशा अनुकूल मिलता है, हम उसको चाहते हैं और चाहते हैं और चाहते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको आप निरंतर चाह सको। कल तक एक वस्तु को चाहते थे, थोड़े ही दिनों में वो चाहत बदल जाती है। एक ही वस्तु है
जिसको आप निरंतर 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 चाहते हो, इसका नाम है प्रेम। तो अहेतुक प्रेम का आश्रय कौन है? यही चेतन तत्व, यही आत्मा। इसलिए आत्मा परम प्रेमास्पद है। बहुत विचित्र माया महारानी ने खिलवाड़ कर रखा है कि जिसको हम चाहते हैं, अनुभव भी है, फिर उसको चाहने के लिए दूसरे को चाहते हैं। ठीक है कि नहीं? उसी को खुश करने के लिए, ये ध्यान रखना, दूसरे को कोई चाह नहीं सकता, अपने को चाहने के लिए हाँ दूसरे को चाहते हैं, और वो दूसरे को चाहने के चक्कर में अपने को खो देते हैं। सोच के देखो कैसी उलटवासी हो गई। कबीर बोलते हैं, उलटवासी बोलते हैं इसको, कबीर बोलते हैं, एक अचरज में आउर देखा, ओरिया का पानी बनेरिया जाए। खबरेल पड़ती है ना, तो इधर को बनेरी बोलते हैं, इधर को ओरी बोलते हैं। बोले बरसात में एक अचरज देखा मैंने, क्या देखा कि इधर वाला पानी ऊपर जा रहा है। बोले और क्या अचरज देखा? बोले एक अचरज में और देखा, बरसे कंबल भीजे पानी, कंबल बरसता है पानी भीग रहा है। एक कबीर के उलटवासी बोलते हैं, उल्टी बाणी। क्यों उल्टी बाणी? क्योंकि मूल में इतना उल्टा हो गया है। चाहते हो आप अपने अस्तित्व को, फिर उसको खुश करने के लिए हाँ पकौड़ी चाहते हो जी, फिर उसके चक्कर में बाजार जाते हो, फिर उसने 15 बार के खौले हुए तेल में पकौड़ी बनाई, उसको फिर आप खाते हो। किस लिए? क्योंकि आप अपने को चाहते हो। इसके बाद वो पेट में जाके आतंकवादी बनता है। उल्फा और पता नहीं क्या क्या बनता है, नक्सलाइट, सब उधमबाजी शुरू हो जाती है। अब चाहो अपने को, आप अब चाह नहीं सकते। बोले क्या किया? बोले अरे यार अपने को चाहने गए थे, अब दुखी हो गए। ये कौन करता है और क्यों करता है? हम ही करते हैं, और अपने को चाहने के कारण करते हैं और अपनी पिटाई करवा देते हैं। अब आंखें जरती ही रहती हैं, जब देखो तब। क्यों जरती रहती हैं भाई? चाहने गए थे किसको? आदमी को। चैलेंज करता हूं, यू डेयर नॉट टू डू दिस। आदमी छोड़ता पकड़ता है केवल अपने चाहने के लिए। मां ये अर्थ है उसका, आत्मनस्तु कामाय। ये श्रुति के वाक्य हैं, गहन गंभीर होते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। बोले तो दुनिया वालों, तुम सब लोग अपने चाहने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या चाहते हो। सीधे अपने को ही क्यों नहीं चाहते? जो केवल सीधे अपने को चाहने लग जाए, श्री कृष्ण प्रभु बोलते हैं वो धन्य हो गया, अब उसको कोई कर्तव्य नहीं है। क्या श्लोक है? यस्य आत्मरति, अनिरुद्ध जी, यस्य आत्मरति रेवस्या आत्मतृप्तश्च मानवः।
आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम। हो गया कि नहीं? ये देखो, धन्य पुरुष कौन है जो ऐसा नाक घुमाने की प्रैक्टिस छोड़ देता है? और क्या मने, अब बताओ, ये ऐसे पकड़ना सीधे तुम्हारे पास है, तुम उसी को चाहते हो, चाहो ना, कौन मना कर रहा है ना? पहले मैं पकौड़ी चाहूंगा, फिर बाजार जाऊंगा, फिर आतंकवादी को इनवाइट करूंगा। ध्यान रखना, समझते हुए हम सब लोग उसी चक्कर में बार बार पड़ते हैं। कम से कम समझ में तो आता है कि ये लीला चल रही है, इतना तो समझ में तो आवे पहले। माया महा ठगनी हम जानी, तीन गुण हाथ लिए वह डोले। कबीर बोलते हैं ये जो त्रिगुणात्मक माया है, तीन गुणों की रस्सी लेके हाथ में, फंदा लेके हाथ में डोले चलती है, बोले मधुरे बानी बोले बड़ी मीठी मीठी बोलती है माया महा ठगिनी हम जाने। सुनित्य अनुकूल होने के नाते, नित्य प्रेमास्पद होने के नाते आत्मा आनंद स्वरूप है। ये 11वीं निष्पत्ति आई, या 12वीं, जो भी कह लो। प्रेमास्पद है एक, अनुकूल है हैं दो, और इससे क्या सिद्ध हुआ? आनंद स्वरूप है। ध्यान रखना, आनंद का नाम, आनंद की परिभाषा क्या? अनुकूलता की जो संवित है उसी का नाम आनंद है। अनुकूलता की संवित वेदना, अनुकूलम वेदनीयम सुखम, यह आनंद संवित का नाम है। वस्तु व्यक्ति परिस्थिति का नाम नहीं है ये। अनुकूलम वेदनीयम, कोई मानो आपका आत्मीय व्यक्ति है, अनुकूल रहता है, तो उसके पास बैठने में आनंद होता है, तो क्या आप उसको भोगते हो? वो तो बैठा है, हो सकता है कई बार बात भी न करता, दोनों बैठे हों, कुछ देख रहे हों, बट आनंद होता है। यू लाइक हिज सन्निधि, आप उसका संपर्क, सन्निधि पसंद करते हो। क्यों पसंद करते हो? उसमें कोई भोग भोगते हो क्या? नहीं, अनुकूलता की संवित पैदा होती है। उसकी उपस्थिति में क्या हुई? अनुकूलता की संवित पैदा हुई, उससे आपको मजा आया, तो यू लाइक इट। बोले आपकी सन्निधि चाहिए, तो सन्निधि चाहिए माने क्या करोगे? नहीं, बस आपके पास बैठेंगे। हमने उससे क्या मिलेगा? उससे मिलेगा, नहीं मिलता तो क्यों बैठते? पकड़ में आता है? अच्छा, उल्टा करने पे मेरे ख्याल से ज्यादा पकड़ में आ जाएगा लोगों को। कोई कोई लोगों की उपस्थिति बिल्कुल प्रतिकूल होती है, ठीक। अब महाराज वो बैठे केवल पास में, और आपके भीतर आनंद का दरिया तरंगे मारने लगा। अब वो कहता है कि मैं कुछ कर थोड़ो रहा हूं, मैं चुपचाप बैठा हूं अपनी जगह पर, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे बोले, यही तो परेशानी है कि आप बैठे हो। देखो सो जो होना है, सन्निधि है, अस्तित्व है, वो अनुकूल हो तो आनंद। ये न समझना कि भोगना ही आनंद का हेतु है, ये कम विचार का परिणाम है। संवित आनंद है, अनुकूल संवित आनंद है,
वो उत्पन्न हो जाए तो आनंद है और प्रतिकूल संवित दुख है, वो उत्पन्न हो जाए तो दुख है। अब वो कैसे उत्पन्न होती है वो सबका अपना अपना है। प्रतिकूल संवित महाराज किसी की उपस्थिति में इतना पैदा होती है क्या बतावें। तुलसी बाबा ने कहा जिनकर मुख देखत दुख लागे। अब वो बेचारा कहे मैं अपना मुख का क्या करूं। बोले क्या करोगे वो मालूम नहीं, लेकिन प्रतिकूल संवेदना जन्म लेती है। जिनकर मुख देखत दुख लागे उनको करत परत है प्रणाम। वो कोई राजा महाराजा सामंत होंगे तो वो बोलते हैं इसको सलाम करना पड़ता है, इसको देखने में तकलीफ होती है। सो प्रतिकूलम वेदनीयम सुखम। आत्मा एक ऐसा तत्व है, ऐसी वस्तु है जो नित्य अनुकूल है और कभी भी प्रतिकूल नहीं होता। व्हाट ए ब्यूटी। कम से कम एक वस्तु है दुनिया में, ऐसी तो कोई है नहीं। लेकिन थैंक गॉड, सैल्यूटेशंस, कि एटलीस्ट एक चीज है जो एक रस नित्य अनुकूल रहती है। कम से कम एक वस्तु है जिसको हम नित्य चाहते हैं। ऐसा दिखाई देता है, अनुभव है, फिर भटक जाते हैं, फिर भटक जाते हैं। व्हाट टू डू। से तो आनंद स्वरूप आत्मा है, परम प्रेमास्पद, नित्यानुकूल, ऐसा आत्मदेव है। ये उनकी महिमा है, निर्मल चित्त का साधक उनकी इस महिमा को अपने आप के रूप में देखता है। धातु प्रसादात तमक क्रतुहु, ये उद्धृत किया था मैंने, तमक क्रतुहु पश्यति वीत शोक। धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः, आत्मनः महिमानम पश्यति, ये साक्षात करोती, ऐसा मेरा प्रभु है, ऐसा मेरा आत्मदेव है, ऐसा मेरा आपा है, यह सिद्ध हो जाता है। और यह सिद्धि श्रुति सम्मत, यह सिद्धि युक्ति सम्मत, यह श्रुति, यह सिद्धि अनुभूति सम्मत है। जो मैं बात कह रहा हूं क्या आपको अनुभव में नहीं आती? एक एक चीज अनुभव में आती, उसमें टिक न पावे बात अलग है। ध्यान दिलावे तो दिख, हाँ है तो ऐसा ही कहना ही पड़ेगा। कौन है जो ये बात कह सकता है कि मैं कभी अपने को अनुकूल या प्रतिकूल, ये बोल नहीं सकता कोई। कौन है जो कह सकता है मैं अपने को नहीं चाहता? किसकी मजाल है ये? अनुभव सिद्ध। लोग बोलते हैं तो थियरी है, तो मूर्ख, जो साक्षात अपरोक्ष है उसको थियरी प्रैक्टिकल, क्या ये टेस्ट ट्यूब का विषय है क्या? वही विद्यमान है, दिखाई देता है, बात ही वही कही जाती जो अनुभव पर आधारित हो। उसमें थियरी प्रैक्टिकल क्या होता है? ये लोगों को लक्ष्य को दूर करने का एक अपना मजा है। माने हाथ में आई हुई चीज को पहले आसमान में फेंकेंगे, इसके बाद फिर उसकी तरफ दौड़ेंगे, बोलेंगे साधना कर रहा हूं पेंटिंग। तो आई थी पहले फेंक दिया। मूर्खाधिराज,
अच्छी बात है। चेतन अविनाशी है, चेतन है, ये बात तो ठीक है। न उदेति, उदित नहीं होता, न अस्तम एति, नष्ट नहीं होता, लीन नहीं होता, मरता नहीं। न वृद्धिम याति न क्षयम्। यह जो निष्पत्ति वाक्य है, निष्पत्ति वाक्य, इसको पुष्ट करने के लिए हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने एक और तर्क रचना की, थोड़ा हम उसको बोलते हैं तो टीका में आप पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा स्पष्ट हो ही जाएगा, लेकिन पहले आप समझ लो इसको। और ये भी सीखो कि तर्क में जल्दीबाजी नहीं होती, उसकी एक रचना करनी पड़ती है। एक रचना करके निष्पत्ति को ऐसा सुदृढ़ कर देते हैं कि फिर आप उसमें हिल ही नहीं सकते। तो अब रचना शुरू की उन्होंने, प्रश्न आया कि वो अजन्मा अविनाशी है, ये बात आप कैसे बोलते हो? तो बोले, इस बात को छोड़िए, पहले ये देखिए कि ये जो अभाव है ना, अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस, ये चार प्रकार का होता है। ये विचित्र बात है, जो नहीं है वो चार प्रकार का होता है। वेल डन, माने बोलने में ही कंट्रोडिक्शन लगता है। जो नहीं है वो चार प्रकार का होता है। बोले, महाराज क्या बोलते हो, रात का खाना कुछ ठीक तो था ना? बोले, ठीक था, सुनो तो सही पहले। बोले, घट जब पैदा नहीं हुआ था तो उसका अभाव था। घट जब पैदा नहीं हुआ था तब उसका जो अभाव था उसको हम प्राक अभाव बोलते हैं, पहले वाला अभाव। प्राक माने पहले, घट टूट गया तो फिर से उसका अभाव हुआ तो उसको हम प्रध्वंसा भाव बोलते हैं। तो दो प्रकार का अभाव हुआ कि नहीं, पहले वाला एक और बाद वाला, अब कैसे मना करे कि नहीं? देखो, ये विचार ऐसे करते हैं लोग, महापुरुष लोगों का कितना शोध है। बोले, घट घड़ी में नहीं है कि है? नहीं है। तो घट का घड़ी में अभाव है, पहले ऐसा बोलना पड़ेगा, घट का घड़ी में अभाव है। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन वॉच। सो घट का घड़ी में अभाव है और घड़ी का घट में अभाव है, तो दोनों का अभाव एक दूसरे में है, इसलिए इसको बोलते हैं लोग अन्योन्या भाव। बोला, इस साबस, तीन प्रकार का अभाव हो गया। क्या जो नहीं है वो तीन प्रकार का तो हो गया कम से कम? पहला है प्राग भाव, दूसरा है प्रध्वंसा भाव, तीसरा है अन्योन्या भाव, और चौथा है अत्यंता भाव। जैसे खरगोश का सींग, आकाश पुष्प, ये क्या है? अत्यंत अभाव, माने कभी हुआ ही नहीं, वो चीज कभी हुई नहीं, अत्यंत अभाव। तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंत अभाव, ये चार प्रकार के अभाव होते हैं। गिन डाला उन्होंने। इसका मतलब ये भी है कि उनके शोध में पांचवा प्रकार नहीं मिला, मिला होता तो वो भी बोल देते। वो आपकी बुद्धि पर छोड़ दिया उन्होंने कि अब आप खोज लेना पांचवा, नहीं मिलेगा, चुनौती है। बोले, हमने अभाव ही नहीं सोचा तब मिला। प्रकार की क्या बात। बोले, महाराज आप तो प्रतिपादन कर रहे थे कि चेतन अजन्मा है, अविनाशी है, ये अभाव में कहाँ आ गए?
बोले ये तर्क रचना का तरीका है। तो अब परिभाषा करो, जन्म किसको बोलते हैं? प्राग भाव के अंत को जन्म बोलते हैं। देखो, परिभाषा बनाने के लिए इन शब्दों की जरूरत पड़ी। किसी भी वस्तु के प्राग भाव का अंत उसका जन्म कहलाता है। जैसे घट का प्राग भाव जिस क्षण समाप्त होगा उसी क्षण उसका जन्म होगा। ठीक, घट के जन्म से क्या हुआ? उसका जो पहले वाला अभाव चला आ रहा था वो समाप्त हो गया। सो जन्म शब्द की परिभाषा बन गई। क्या बनी? किसी भी वस्तु का जन्म का अभिप्राय है उसके प्राग भाव का अंत। मैं फिर से दोहरा देता हूं, किसी भी वस्तु के जन्म का अर्थ है उसके प्राग भाव का अंत। मृत्यु की परिभाषा क्या बनेगी? किसी भी वस्तु के मृत्यु का अभिप्राय है उसके प्रध्वंसा भाव का आरंभ। घट का प्रध्वंसा भाव जिस क्षण शुरू होगा उसी क्षण वो टूटा। टूटा तो प्रध्वंसा भाव शुरू हुआ। जब वो टूटा तब वो प्रध्वंसा भाव शुरू हुआ। पकड़ में आता है? सो मृत्यु की परिभाषा यह है कि किसी भी वस्तु की मृत्यु का अभिप्राय है उसके प्रध्वंसा भाव का आरंभ। प्रध्वंसा भाव का आरंभ। अच्छा, दोनों अभावों की प्रकृति भिन्न है। प्राग भाव अनादि होता है, प्राग भाव कभी शुरू नहीं होता। घट कब से नहीं है? देखो, ये लोग जो कहते हैं ना कि अनादि शब्द जो है भारतीयों का बौद्धिक पलायन है, मूर्ख हो तुम, कभी सोचा ही नहीं कि अनादि कहना ही पड़ता है कुछ चीजों को। किसी भी वस्तु के का जो प्राग भाव है वो अनादि ही होगा। तो देखो, प्राग भाव अनादि होता है लेकिन शांत होता है। ये दंत्य सह, शांत माने अंत सहित। ये न कह देना कि माने सड़क वाला स, आपकी भाषा में शहर वाला स नहीं, शांत नहीं, शांत होता है। अनादि है लेकिन शांत है। अच्छा, प्रध्वंसा भाव सादी है। सादी है माने आरंभ दिखाई देता है उसका, क्योंकि घट जब टूटता है तब प्रध्वंसा भाव शुरू होता है। ठीक, तो प्रध्वंसा भाव आदि सहित है, सादी है लेकिन अनंत है। गुड, माने प्रध्वंसा भाव कब तक बना रहेगा? अनंत काल तक, क्योंकि फिर से टूटा हुआ घट फिर से नहीं जन्म लेने वाला है। सो देखो, दोनों की प्रकृति भिन्न हो गई। प्राग भाव अनादि है, शांत है। प्रध्वंसा भाव सादी है, अनंत है। ऐसे विचार है। अब ये बात अगर साफ हो गई तो किसी भी वस्तु के जन्म की सिद्धि के लिए पहली आवश्यकता यह है कि उसका प्राग भाव हो। ठीक है,
घट का जन्म सिद्ध होने के लिए पहले ये आवश्यक है कि घट पहले पहले नहीं था। घट का प्रागभाव पहले सिद्ध हो, फिर वो प्रागभाव का अंत सिद्ध हो, तब इस सिद्धि से क्या होगा? जन्म सिद्ध होगा। समझो समझो, जन्म सिद्ध होने के लिए, किसी भी वस्तु का जन्म सिद्ध होने के लिए यह पहली आवश्यकता है कि पहले उसका प्रागभाव हो। तो प्रागभाव सिद्ध हो, फिर प्रागभाव का अंत सिद्ध हो, तब जन्म सिद्ध होगा। अच्छा, मृत्यु सिद्ध होने के लिए पहली आवश्यकता है कि है सिद्ध हो, फिर उसका प्रध्वंसा भाव सिद्ध हो, प्रध्वंसा भाव का आरंभ सिद्ध हो, तब हो। कोई चीज है ही नहीं और कहो ये मर गई, मानोगे आप? बोले आकाश पुष्प गिर गया। अरे था ही नहीं, गिर कैसे गया? खरगोश की सींग टूट गई। तो ध्यान रखना, ये टूटना सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि पहले वो है ही नहीं। किसी का मरना तभी सिद्ध हो सकता है जब पहले वो हो ये भी सिद्ध हो, और फिर उसका नहीं होना भी सिद्ध हो। दोनों बात सिद्ध होनी चाहिए, होना और नहीं होना। इसी तरह से जन्म तब सिद्ध होगा जब उसका पहले नहीं होना सिद्ध हो, फिर होना सिद्ध हो। प्रागभाव सिद्ध हो, प्रागभाव का अंत सिद्ध हो। इसी तरह से होना सिद्ध हो और फिर प्रध्वंसा भाव सिद्ध हो। कोई कहे कि नहीं, मैं प्रागभाव सिद्ध नहीं करूंगा लेकिन उसका जन्म हुआ। बोले जबरदस्ती है ये, तो विचार से नहीं लाठी से सिद्ध करने वाली बात हो गई। बच्चा घर में अभी नहीं है, फिर हुआ, जिस क्षण हुआ बोलेंगे इसका जन्म हो गया। सो जन्म की सिद्धि बिना प्राग भाव की सिद्धि के नहीं हो सकता। थोड़ा बुद्धि को तेज रखिए, नहीं तो पिछड़ जाओगे हमेशा के लिए। आज तर्क का दिन है तो थोड़े झलकियां आ रही हैं। मैंने एक दिन कहा था ना कि फुटकर तर्क जो आपको समाज में सुनाई पड़ता है वो तो कुछ भी नहीं है। जब आप अपने शुरू करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये लोग क्या बोलते हैं। प्राग भाव की सिद्धि के बिना जन्म की सिद्धि नहीं हो सकती। नाउ चेतन का जन्म हुआ, अगर यह आपको कहना है तो आपको ये कहना पड़ेगा कि चेतन का प्राग भाव था। तो चेतन के प्राग भाव को किसने देखा? क्योंकि सिद्धि के लिए भी दृष्टा चाहिए, नहीं भाई मेरे? वो घट पहले नहीं था ये कोई तो देखे। बच्चा घर में पहले नहीं था, पहले उसको कोई देखे। तो चेतन का प्राग भाव कैसे सिद्ध हुआ? किसने देखा उसको? जिसने देखा वो जड़ था। ये आप कहां जाओगे बच के? चेतन का चुनौती है सारे तार्किकों को, चेतन का प्राग भाव कभी सिद्ध नहीं हो सकता, चाहे जितनी मर्जी जोर लगा लो आप। क्योंकि प्राग भाव का भी कोई कोई दृष्टा होना चाहिए। वो दृष्टा कौन होगा? वो चेतन होगा।
तो चेतन तो है, प्रागभाव किधर गया? अब हमारा तर्क क्या बनेगा? चूंकि चेतन के प्रागभाव की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए उसके जन्म की सिद्धि कभी नहीं हो सकती। ये निष्पत्ति निकली। तो गीता में हम पढ़ते हैं न जायते म्रियते, वो कोई ऐसा वैसा वाक्य नहीं है, वो तो बिल्कुल बिल्कुल पक्का वाक्य है, बैठाया जा सकता है, ऐसा सिद्ध किया जा सकता है कि बुद्धि इधर से उधर हिल नहीं सकती महाराज, ऐसा है। चेत मैं दोहराता हूं, चूंकि चेतन के प्राग भाव की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए उसके जन्म की सिद्धि नहीं हो सकती। अरे प्राग भाव ही सिद्ध नहीं हुआ तो प्राग भाव का अंत कैसे सिद्ध होगा? वो तो अंत तो बाद की बात है। जन्म सिद्धि के लिए तो पहले दो चीज चाहिए, प्राग भाव की सिद्धि, फिर उसके अंत की सिद्धि। अच्छा, हम मृत्यु का देखो, किसी भी वस्तु की मृत्यु की सिद्धि के लिए उसका होना सिद्ध हो और फिर उसका प्रध्वंसा भाव सिद्ध हो, तो चेतन का होना सिद्ध है, गुड, लेकिन उसका प्रध्वंसा भाव कैसे सिद्ध होगा? कैसे कोई जानेगा कि अब वो नहीं है? माने चेतन स्वयं कैसे जानेगा कि मैं अब नहीं हूं? तो जानने वाला तो निरंतर विद्यमान है। चैतन्य तत्व के प्रध्वंसा भाव की सिद्धि कदापि नहीं हो सकती। उसका होना सिद्ध है, लेकिन उसका नहीं होना कभी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रध्वंसा भाव की सिद्धि के लिए भी दृष्टा की आवश्यकता है। वह दृष्टा स्वयं चेतन है। जब वो है ही है तो उसको नहीं है क्यों बोलेंगे? बना सुनना उदेती, अब ये पक्का हो गया, न उदेति न अस्तम एति, पहला वाक्य सिद्ध हो गया। न जायते न म्रियते कदाचित, भगवान ने ऐसा बोला, यहां ऐसे बोलते। जो निराकार निरवय तत्व है उसमें वृद्धि और क्षय सिद्ध नहीं होती। दूसरा वाक्य, वृद्धि का अभिप्राय है अवयवों का विकास, अवयव का विकास, शरीर जो अवयव है तो उसका जब विकास होता है तो बोलते हैं वृद्धि हो गई, और अवयवों का ह्रास उसको बोलते हैं क्षयम। वृद्धि और क्षय का आश्रय सावयव वस्तु होती है, निरवयव वस्तु नहीं होती। तो ये पहले वाली जो सिद्धियां हैं उसको संभाल के रखना, तभी आगे की बात बनेगी। आकाश एक निरवयव वस्तु है, दृष्टांत में वही एक चीज मिलती है हमको, तो उसमें वृद्धि नहीं हो सकती, उसमें क्षय नहीं हो सकता, क्योंकि अवयव नहीं है। तो नियम यह निकला कि वृद्धि और क्षय का आश्रय अवयव हैं। चूंकि चेतन तत्व निरवयव है, हाँ,
इसलिए उसमें वृद्धि क्षय नहीं हो सकती। न वृद्धिम याति न क्षयम्, दूसरा वाक्य सिद्ध हो गया। स्वयं विभाति, तो चूंकि वह दृश्य नहीं है इसलिए उसके दृष्टा की जरूरत नहीं है। स्वयं चेतन होने के नाते वो है और स्वयं उसी को मालूम है कि वो है। कैसा मालूम है? अपरोक्षत्वेन, अपरोक्ष ज्ञान है। क्या परिभाषा दी थी अपरोक्ष की? अवेद्यत्वे सति भासमानत्वम्। अवेद्यत्वे सति, वेद्य बने बिना, ज्ञेय बने बिना, जो स्वयं प्रकाश तत्व है उसका नाम है स्वयं विभाति चेतन। कई बार आप लोग प्रकाशक शब्द का प्रयोग करते हो तो वेदांत, अब इसलिए मैं नहीं टोकता रोकता कि अभी एकदम ही आरंभ है, तो प्रकाशक शब्द हमारा नहीं है, ये बौद्धों का शब्द है। आ जाएगी सावधानी, ऐसी मैं आशा करता हूं धीरे धीरे। हमारा शब्द है स्वयं प्रकाश, हमारा शब्द स्वयं प्रकाशक नहीं है। क्या शब्द है? स्वयं प्रकाश। अंग्रेजी में गुरुदेव ने उसका ट्रांसलेशन किया सेल्फ एफुलजेंट, ये बहुत अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है, सेल्फ एफुलजेंट, स्वयं प्रकाश। गोस्वामी जी ने यही शब्द लिखा, सहज प्रकाश रूप भगवाना। प्रकाशक नहीं, प्रकाशक कहने पर तो उसमें क्या कर्तृत्व आता है कि नहीं आता है? ये आप सोचिए निष्ठा कितनी है। एक एक अक्षर के लिए लोग जूझते हैं और हम लोग इतने उदार हैं, एकदम धड़ा धड़ जो मर्जी बोलते जाओ, बस ऐसे नहीं। वो सीख लेना चाहिए धीरे धीरे, सावधानी, बुद्धि ठीक हो जाती है महाराज। सावधानी करते करते एकदम तीक्ष्ण दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, ये वेदांत का साधक ऐसा होना चाहिए, प्रमादी नहीं होना चाहिए। हम कभी बोलते हैं, क्या कहा था आपने, फिर से कही, अरे कितनी बार कहा जा रहा है। तीक्ष्ण। सो स्वयं विभाति अथ अन्यान भासयेत, और दूसरे भी उसके प्रकाश में प्रकाशित होते हैं। साधनम बिना भासे, बिना किसी साधन के दूसरों को भी भासित करता है। मैं 5-7 मिनट 5 मिनट और आज ले लेता हूं, क्योंकि एक प्रश्न आया था तो मैं उसको बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि वो विषय बार बार आएगा अभी और वो कठिन विषय है वैसे तो, लेकिन अब मैंने ही उठा दिया, आ बैल मुझे मार जबरदस्ती। अब समझ में आता है कि अब ये नहीं उठाने हैं, लेकिन अब उठा दिया तो क्या किया जाए। तो कहा गया कि अन्यान भासयेत, साक्षी दूसरों को भासित करता है। तो भासित करता है तो क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है तो कर्ता बन रहा है। दृष्टा तभी होगा जब वो देख रहा है, जब देखने की क्रिया होगी तो दृष्टा उस क्रिया का कर्ता बना। तो शब्द बदलने से आप भाग नहीं सकते, आप सीधा बोलो वो ज्ञाता है, क्योंकि वो जान रहा है तो जानने की क्रिया हो रही है तो उसमें ज्ञाता भाव भी आ ही रहा है। ये इस तरह का एक प्रश्न आता है, ये प्रश्न गंभीर है और भी आएगा, इसलिए आप लोग धीरज रखो जरा। लेकिन अभी मैं इतना बता देता हूं, कई दृष्टांत हमें सुनने को मिले चर्चा में।
बिजली और पता नहीं क्या क्या आता है। देखो, क्रिया दर्शन की जो क्रिया है वो घट रही है, कहाँ? वृत्तियों के ऊपर। तो इसलिए कहना पड़ता है वृत्तियां दिख रही हैं, दृश्य हैं। चूंकि यह दिख रही हैं इसलिए वो दृश्य हैं, और इसलिए अनुमान तो होता है कि कोई देखने वाला होना चाहिए। और इसलिए उसमें देखने क्या कर्तृत्व भी होना चाहिए, यही तर्क बनता है ना। अब एक मैं दृष्टांत देता हूं कि अग्नि में कुछ सूखी लकड़ी थी, वो जल गई, तो जलने, ध्यान देना इस पर, साधक लोग भाव से, तो जलने की क्रिया कहाँ घटी? लकड़ी में। दहन क्रिया कहाँ घटी? लकड़ी में। तो जिसके कारण वो क्रिया घटी उसकी सत्ता को मना नहीं कर सकते। वो सत्ता किसकी है? अग्नि की। तो चूंकि दहन क्रिया लकड़ी में घटी, इसलिए अग्नि को हम नाम देंगे दाहक। क्या नाम देंगे? दाहक। लेकिन अग्नि में दाहकत्व तो है, अग्नि अपने स्वरूप में है, उष्णता उसका स्वरूप है। ध्यान दो, उष्णता उसका स्वरूप है, लेकिन उसकी सन्निधि में आने पर अग्नि में बिना विकार हुए वह अपने स्वरूप में ही स्थित है। लेकिन घटना कहाँ घटी? लकड़ी पर। लेकिन साधारण भाषा में हम क्या बोलेंगे? अग्नि ने लकड़ी को जलाया। ये वास्तविकता क्या है कि अग्नि स्वरूपस्थ ही है, और कभी भी उसने दहन क्रिया नहीं की, लेकिन दहन क्रिया हुई। ठीक, दहन क्रिया की नहीं, लेकिन दहन क्रिया हुई। किस पर? लकड़ी पर। तो चूंकि लकड़ी जली, इसलिए अग्नि का अनुमान, जिसके कारण जली उसके होने का तो प्रमाण हो गया, लेकिन उसके होने में एक गलती ये हो गई कि उसने उठ के गुस्से में आके इस लकड़ी को क्या किया? जलाया होगा, केस चला उसके ऊपर। अगर लकड़ी अग्नि को दहन क्रिया का कर्ता मानेंगे, हाँ, तो केस चलाना पड़ेगा। बोले, ठिठुर गया मैं। क्यों? बोले, बर्फ ने इतनी ठंडक पहुंचाई, भेजता ही रहा मेरे तरफ। बर्फ अपने स्वरूप में स्थित है, आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा इसलिए कि आप उसकी सन्निधि में गए, तो विक्रिया हुई, उसको कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन कहाँ हुई? आपके ऊपर हुई। लकड़ी पर क्रिया हुई, आपको ठंड लगी, वो सही है। लेकिन यह वाक्य सही नहीं है कि बर्फ ने आपको, हाँ, ठंडक पहुंचाई। बर्फ कहाँ है? कुछ करने का उसमें चेष्टा है क्या? बोले, नहीं, उसमें स्वरूपस्थ है, वो शैत्य उसका स्वभाव है, और वो अपने स्वभाव में विद्यमान है। ये उष्णता अग्नि का स्वभाव है, और वो अपने स्वभाव में विद्यमान है। चैतन्य तत्व प्रकाश रूप है, उसका स्वभाव है, ज्ञान स्वरूप है, वो उसका स्वभाव है। उसकी सन्निधि में जो जाएगा वो भासित होगा।
वो कैसा है? बोले वो स्वयं विभाति। फिर अन्यान भासहेत, जो उसके सन्निधि में वहां वो भासित होंगे। कैसे भासित होंगे? चेष्टा के बिना, साधन के बिना। ये दिखाने के लिए ही साधनम बिना शब्द आया। क्या बोल रहे हैं? साधनम बिना। साधनम बिना का मतलब क्या है? स्वभाव स्वभावे स्थितोपि, अपने स्वरूप में रहते हुए ही। स्वरूपस्थ सन्न, जैसे अग्नि अपने स्वरूप में रहते हुए ही दहन क्रिया का कर्ता कहलाने लगती है। असल में कहलाती है गलती से, दहन क्रिया के कर्तृत्व का उसमें आरोप हो रहा है। क्यों आरोप हो रहा है? क्योंकि सच्चाई है कि दहन क्रिया हुई, सच्चाई है कि कोई जल गया, उसको कोई मना नहीं कर सकता। और इसकी वजह से आरोप यह हुआ क्या कि अग्नि, आया पकड़ में दृष्टांत? तो एवं प्रकारेण, इस प्रकार से भासयेत, अन्यान भासयेत साधनम बिना। अभी इतना पर्याप्त है आपके लिए। आएगा प्रसंग, आएगा तो फिर धीरे धीरे देखेंगे। ओम तत्सत। तो चारों पादों का अर्थ मेरे ख्याल से खुल गया होगा, नौ देती से लेके वहां से बिना तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि